नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। पीपलखूंट में बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान प्रशिक्षण के द्वितीय चरण का समापन हुआ। बता दें कि शिविर में पहली से पांचवी कक्षा तक पढ़ाने वाले शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। वहीं समापन समारोह में CBO रामलाल खराड़ी ने शिक्षकों को पढ़ाने के अलग अलग तरीके बताए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्येक शिक्षक का ये दायित्व है कि वो बच्चे के पूरे दिमाग में ज्ञान रूपी नवाचारों के माध्यम से रंग भर दे। पीपलखूंट में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान मनाया गया, जिसमें क्षेत्र की कुल 132 गर्भवती महिलाओं ने भाग लिया। इस दौरान महिलाओं ने सभी जांचें करवाई। वहीं जांच के बाद खून की कमी वाली महिलाओं को आयरन सुक्रोज की ड्रिप लगाई गई। डॉक्टर एकता सेन ने बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं के लिए अच्छे स्वास्थ्य और स्वतंत्र जांच प्रदान करने के साथ स्वस्थ बच्चे को जन्म देने का प्रयास किया जाता है। अलवर में तिजारा पुलिया के पास दूध मिष्ठान भंडार की दुकान पर दिन दहाड़े फायरिंग करने और रंगदारी का मामला सामने आया है। ये पूरी घटना दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। घटना को अंजाम देने के लिए दो युवक एक बाइक पर आए, जिसमें से एक युवक ने दुकानदार को पर्ची दी और उसके बाद दो राउंड फायरिंग कर दी। पर्ची में 50 लाख रुपए तैयार रखने की धमकी दी गई है। वहीं फायरिंग के बाद दोनों युवक बाइक से फरार हो गए। फायरिंग करने वाले युवक ने मास्क लगा रखा था और उसके बाद हेलमेट पहन रखा था। दुकानदार ने मामले की सूचना शिवाजी पार्क थाना पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये दूध मिष्ठान भंडार हमारे पूर्व पार्षद रहे पूरण जी का ये प्रतिष्ठान है, बहुत प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान है। मुझे जानकारी मिली कि यहाँ अपराधी वर्ग ने आकर के पहले पर्ची पकड़ाई, उसके बाद गोली चलाई। इनके जो कोल्ड ड्रिंक्स का शोरूम था उसके अंदर मैं तुरंत यहाँ पहुँचा। मैंने वीडियो जो इनके कैमरे उसमें भी देखी, उसमें एक व्यक्ति हेलमेट लगा के खड़ा हुआ है, पर्ची देने का प्रयास कर रहा है और पर्ची देने के बाद फिर वो घूम करके गोली चलाता है। और उस पर्ची के अंदर भौंडसी जेल में बंद दो मुलजिमों के नाम है। उसके साथ साथ उन्होंने 50 लाख की इनसे एक्सटॉर्शन की भी मांग करी है, डिमांड मांग करी है और अंजाम भुगतने के लिए कहा है। उसके बाद भंडार पर आज एक लड़के द्वारा फायरिंग की घटना की गई, जो इनके CCTV कैमरा में कैप्चर है और इसमें फिरौती की डिमांड की गई 50 लाख की, और जिसमें भौंडसी जेल से रिलेटेड दो मुलजिमों के नाम भी मेंशन किए गए। इसको वारदात को जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मालिक का कहना है कि इनको पहले भी प्रीवियस किसी भी प्रकार की ना तो कोई थ्रेट मिली है ना किसी प्रकार की डिमांड हुई है। तो इस घटना को वर्कआउट करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि किस मानसिकता से अपराधी ने इस कृत्य को किया। आसींद उपखंड मुख्यालय से 14 किलोमीटर की दूर नेशनल हाईवे से कटार गांव को जोड़ने वाली 4 किलोमीटर लंबी सड़क बदहाल हो चुकी है। पिछले 20 वर्षों से ये सड़क इसी अवस्था में है, जो राहगीरों के लिए मुसीबत का कारण बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों को भी इसके बारे में अवगत करवा चुके हैं, लेकिन आज तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। हनुमानगढ़ के नोहर में सहायक कमांडेंट भूराराम छीपा की पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 90 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। वहीं शिविर में 200 से अधिक मरीजों को चिकित्सा परामर्श और निशुल्क चिकित्सा सेवाएं भी दी गई। युवा और खेल मंत्री अशोक चांदना एक दिवसीय दौरे के लिए बूंदी पहुंचे। यहां पर 30 से 31 जुलाई को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दौरे के दौरान 1500 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण होना है। इस दौरे को लेकर चांदना ने रामगढ़ टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य को लेकर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि हमारी किस्मत में रामगढ़ अभ्यारण्य है, जिसकी भौगोलिक स्थिति टाइगर के प्रजनन के लिए उपयुक्त मानी गई है। देखिए, आपको पता है कि 1.5-2 साल पहले हम लोग इसके ऊपर एक्टिव हुए थे, पूरी सेंचुरी का दौरा किया, इसमें कितने फंड चाहिए इसके ऊपर स्टडी हुई, प्रदेश के आला अधिकारियों से हमारी चर्चा हुई दिल्ली तक, क्योंकि राजसमंद कुंभलगढ़ में टाइगर सेंचुरी को ले जाने का बहुत बड़ा षड्यंत्र जो है वो चालू था। और यदि हम उस समय में नहीं संभलते तो आज जो टाइगर सेंचुरी के माध्यम से जो रोज़गार, जो टूरिज़्म, जो उठाव हमारे बूंदी ज़िले में आने वाला है, हमारा बूंदी ज़िला उससे वंचित रह जाता और वो कुंभलगढ़ चला जाता। कुंभलगढ़ से जो BJP की माननीय मेंबर पार्लियामेंट है, उन्होंने भी पूरी वहाँ पर दिल्ली में ताल ठोक रखी थी कि टाइगर सेंचुरी को वहाँ पर लेकर जाएंगे, तो उसके संघर्ष हम लोगों ने किया और ऊपर वाले ने हमारा साथ भी दिया। आबू रोड में अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष सचिन विष्णुदेव सरवटे का डॉक्टर अंबेडकर सेवा समिति द्वारा आबू रोड पधारने पर स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सबसे पहले सरवटे ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर सेवा समिति ने सचिन सरवटे का माला और साफा पहनाकर सम्मान किया।
अरनोद में भाजपा कार्यालय पर बीजेपी मंडल अरनोद की कार्य समिति की बैठक हुई। मंडल अध्यक्ष राजेश कुमावत की अध्यक्षता में मीटिंग का आयोजन हुआ। कार्य समिति में कई राजनीतिक प्रस्ताव लिए, जिसमें मुख्य रूप से किसान, प्रदेश में बढ़ता अपराध, बेरोजगार आदि मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूज़। नमस्कार।